कि आप कैप कट पे उर्दू लिखना चाहते हैं, तो उसके सिंपल आपने कैप कट में अपनी वीडियो को इम्पोर्ट करना है, उसका यहाँ सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड टेक्स्ट पर चले जाना है। अब जैसे आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप उर्दू में जो भी लिखेंगे तो कुछ इस तरह का लिखा आएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसे कैप कट पर आप डायरेक्टली उर्दू नहीं लिख सकते। अब इसके लिए क्या करना है आपने, आपने चले जाना है यहाँ प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ से आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है उर्दू डिज़ाइनर के नाम से। देखें ये ऐप है, साथ इसका आइकन है, आप चेक कर सकते हैं। अब आपने इस ऐप को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्वायर को सिलेक्ट कर देना है। उसको सिंपली आपने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो भी आपने उर्दू में लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने अपना यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। अब इसका आपने साइज चेंज करना है, जो भी इसमें एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको फोन मिल रहे हैं, जो भी आपने फोन ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखें फोन के अलावा आपको यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन मिल रहा है, आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं, इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए नीचे देखें आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। ये करने के बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है और यहाँ आपने PNG में डाउनलोड करना है। ये चीज़ आपके लिए अहम है, आपने PNG में डाउनलोड करना है। आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है, आपकी इमेज हमारी सेव हो चुकी है। अब आपने तो दोबारा चले जाना है कैपकट में। कैपकट में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करें और यहाँ से आपने उस फोटो को ऐड कर देना है। अब देखें ये फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ये इस जहाँ भी आपने रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह आप कैपकट में उर्दू लिख सकते हैं, मगर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करेंगे, उस ऐप से लिख कर आप यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे।